समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने कानपुर की गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन के बाद भाजपा सरकार बैकफुट पर आई और स्टॉल व मोबाइल वैन के जरिए 80 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचना शुरू किया। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात रास नहीं आई। बढ़ी हुई सब्जियों की दाम को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने कानपुर की गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महंगी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया। सभा के इस प्रदर्शन में विधायक अध्यक्ष समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल रहे। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन हम लोग महंगी सब्जियों की एक प्रदर्शनी लगा, टमाटर 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए से अधिकतम कीमत में बिकता था, आज वो टमाटर 200 रुपए पार कर रहा है। शिमला मिर्च आपके 200-250 रुपए में, अदरक 300 रुपए किलो जा रही, धनिया 250 रुपए किलो में है। आम आदमी खाए तो खाए क्या? ये सरकार आय भी मिटाने के लिए ये गरीब मिटाने पे लग गई है। सरकार ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको मैं हवाई जहाज दूंगा, हालात तो दूर, थाली की सब्जियों तक ये खाई जा रही है। आज आदमी, आम आदमी क्या, दाल 150 रुपए किलो है, आटा आपका 32 रुपए, 33 रुपए पहुंच गया है। आम सब्जियां जो आदमी खाकर अपना पेट भरता था वो 200 रुपए के ऊपर पहुंच, क्या खाने? इसलिए सरकार को जगाइए। माननीय विधायक जी के द्वारा और युवजन सभा कार्यालय द्वारा यह किया, इसलिए महंगी सब्जियां जो है सरकार को संकेतात्मक ये है व्यंग कि लोग नहीं खा सकते, कम से कम देख लें, छू के एहसास कर लेंगे महंगी सब्जियां से कितना दुखी है व्यक्ति। विधायक जी, इतना प्रोटेस्ट होने के बाद अब सरकार 80 रुपए किलो में टमाटर बेच रही है, क्या पॉलिसी है ये? यही तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन चोर सामने अपने आप आ गया। इसका मतलब सरकार चाहती तो कम दाम पे बेच सकती थी। जब समाजवादियों ने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया तो सरकार की चेतना जगी और 180 रुपए के टमाटर कल वो 80 रुपए में लेके घूमने लगे। इसका मतलब 100 रुपए बीच का कौन ले जा रहा था? वही लोग हैं जो हरी झंडी दिखाने आए हैं, ये 100 रुपए किलो ही काला बाजारी यही लोग कर रहे हैं। यही हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और देखिए अपने आप सामने आ गया कौन था चोर। अगर ये किसान से खरीदा जाता 150 में और बाजार में बिकता 200 में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसान से खरीदा जा रहा 30 रुपए में और यहाँ बिक रहा है 200 रुपए में, और ये 100 रुपए ये भाजपा के नेता जो नाटक कर रहे हैं 80 रुपए में बेचने का, ये 180 परसों बिक रहा था और कल 80 में लेके आ गए। 100 रुपए जो भाजपा के नेता खा रहे थे उन्होंने कल नहीं खाया। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के नेताओं को अपनी इस कालाबाजारी की आदतों पर लगाम लगानी चाहिए और किसान को सही फायदा मिले और जनता को उचित दाम पर सब्जी मिले, इसका इंतजाम परमानेंट करना चाहिए, नाटक नहीं करना चाहिए।